हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट रेमेडियल बायोलॉजी के बारे में, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत ज़्यादा टफ होता है मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने 12th में तो PCM से एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया होता है। तो इसलिए अगर वो बी फार्मा करते हैं तो उन्हें रेमेडियल बायोलॉजी का सब्जेक्ट दे दिया जाता है बायो को समझने के लिए, क्योंकि जो फार्मेसी की लाइन होती है वो बायो से रिलेटेड होती है। तो इसलिए उन्हें बी फार्मा में फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में रेमेडियल बायोलॉजी दी जाती है। तो उसके लिए काफ़ी टफ पड़ जाता है मैथ्स के स्टूडेंट के लिए, लेकिन जो मैं आज आपको बुक दिखाऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा इजी तरीके से आपको समझाएगी। कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि हम इसके न्यूरल के बारे में भी समझते हैं और रिस्पायरेटरी के बारे में समझते हैं, डाइजेशन के बारे में समझते हैं, प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में समझते हैं, केमिकल्स के बारे में समझते हैं, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि हम इसमें बहुत सी सिस्टम्स की स्टडी करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बुक भी दिखाऊंगा कि कैसे ये बुक आपको एक्सप्लेन करती है सिलेबस को बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही जो टर्म्स राइटर यूज इसके अंदर करते हैं बहुत इजी तरीके से मैथ्स के स्टूडेंट उस टर्म्स को समझ सकते हैं। तो आपके लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इस बुक से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं रेमेडियल बायोलॉजी को। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बचा के कर दीजिए, नीचे रेड बटन दिया उस पर क्लिक करने से चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। तो यह है हमारी रेमेडियल बायोलॉजी की बुक, यहाँ पे लिखा है TCA फार्मा, ये हमारे सब्जेक्ट नेम लिखा है रेमेडियल बायोलॉजी, और जो उसका सिलेबस है वो PCI के अकॉर्डिंग सेट किया गया है। और जो हमारे राइटर है, पहले राइटर का नाम है डॉक्टर N, दूसरे राइटर है डॉक्टर A सिंह, तीसरे राइटर है डॉक्टर D शराल्ड, और जो लास्ट राइटर है वो हमारे A कुलकर्णी, मतलब इस एक बुक को चार राइटर्स ने लिखा है। और जो हमारी पब्लिकेशन है वो है टेक्निकल पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया इस बुक को। और अब हम देखते हैं इस बुक का कंटेंट क्या क्या इसके अंदर बताया गया है। तो यह है हमारा कंटेंट यूनिट फर्स्ट में चैप्टर वन के अंदर बताया जाता है लिविंग वर्ल्ड एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फिर इसमें हम पढ़ते हैं लिविंग वर्ल्ड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फिर यूनिट टू में हमें बताया जाता है चैप्टर टू में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में। फिर इसमें हम पढ़ते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ। फिर इसमें पढ़ते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड ब्लड वेसल, कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट एंड ECG के बारे में। तो काफ़ी लेंथी है। चैप्टर थ्री में हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। फिर चैप्टर फोर में हम पढ़ते हैं ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन, ह्यूमन रिस्पायरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन एंड इट्स रेगुलेशन। और फिर यूनिट थर्ड में हम पढ़ते हैं यहाँ पे चैप्टर फाइव में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, मॉडल ऑफ एक्सक्रीशन, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यूरिन फॉर्मेशन, जेनिन एकोनिस्टिन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर सिक्स में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में स्टडी करते हैं। तो काफ़ी लेंथी है और काफ़ी डीपली हमें बताया जाता है न्यूरॉन के बारे में। चैप्टर सेवन में केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन, केमिकल्स की स्टडी करेंगे हम यहाँ पे, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर सिक्रीशन, फंक्शन ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। चैप्टर एट में पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पढ़ते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल। यूनिट फोर में हम पढ़ते हैं प्लांट एंड मिनरल, न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस, प्लांट एसेंशियल मिनरल, मैक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन साइकिल, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, फोटोसिंथेसिस। और लास्ट में बताया जाता है चैप्टर 10 में प्लांट रिस्पायरेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट रिस्पायरेशन, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फेज एंड रेट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन, इंट्रोडक्शन। चैप्टर 11 आ जाता है इसी में सेल एंड टिश्यू। फिर हम पढ़ते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में, सेल डिवीजन, टिश्यू डेफिनेशन पढ़ते हैं इसमें हम, टाइप ऑफ टिश्यू, लोकेशन एंड फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई, तो बहुत अच्छे तरीके से बुक हमें बताती है। तो ये हमारा चैप्टर वन, यूनिट वन में चैप्टर वन आता है लिविंग वर्ल्ड एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हम पढ़ते हैं लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो देखिए,
डायग्राम वाइज इजी तरीके से हमें बताया जाता है। तो हमारा क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय लिविंग, गिव डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, क्वेश्चन बना हमारा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन लिविंग, देयर आर वेरियस टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग। तो ये तो हमारा हो गया लिविंग के बारे में, आगे देखते हैं क्या बताया गया है। तो यहाँ पे हमारा बताया जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, सेलुलर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते में बताया जाता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट, एडेप्टेशन। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते में यहाँ पे पढ़ते हैं सरफेस एंटीजन, मतलब ब्लड टाइप के सैंपल्स के बारे में, एंटीबॉडी, ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल। देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर होते हैं उसकी स्टडी करते हैं यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया जाता है। चैप्टर 4 में आ जाते हैं ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन। तो ऐसी हमें बहुत अच्छी तरीके से लेबलिंग वाइज आगे भी देखने को मिलती है, जैसे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में यहाँ पे हमें बताया जाता है। तो ऐसी ये बुक हमें और भी अच्छी तरीके से आगे बताती है। तो ये थी हमारी रेमेडियल बायोलॉजी की बुक, मैंने आपको सब कुछ बता दिया इस बुक के अंदर क्या क्या बताया गया है और किस किस तरीके से डायग्राम, किस किस तरीके से फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हमें अच्छे तरीके से ये बुक समझाने की कोशिश करती है जो हमारे मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं। तो ये बुक ज़्यादा महंगी भी नहीं है, मैंने इसको ऑनलाइन परचेज किया था, 200 के आसपास में ये मुझे बुक मिल गई थी। इसके अलग से डिलीवरी चार्जेस भी पड़ते हैं। तो आप इस बुक को ऑनलाइन बहुत इजी वे में परचेज कर सकते हैं और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं इस बुक से आप रेमेडियल बायोलॉजी सब्जेक्ट की। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा कि उन्हें भी पता चल जाए फर्स्ट ईयर में बी फार्मा फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में रेमेडियल बायोलॉजी की किस तरीके से हम स्टडी करते हैं इस बुक के वजह से। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस जाके कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।